नमस्कार दोस्तों। तो आज जो हमारे पास स्मार्ट वॉच है वो यहाँ पर हैमर की तरफ से आने वाला है, हैमर एस 4.0। ये वाला जो स्मार्ट वॉच है ना, अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है और काफी बजट में ही लॉन्च हुआ है। 2000 रुपए के अंदर ही आपको ये वॉच देखने को मिल जाएगा। तो आज हम जो इस वॉच का एक डिटेल रिव्यू करेंगे और देखेंगे क्या ये वॉच जो है 2000 रुपए में भी लेने लायक है या फिर नहीं। तो वीडियो को जो यहाँ पर लास्ट तक देखते रहना। तो यहाँ पर आपको जो है कुछ इस टाइप का जो है बॉक्स देखने को मिल जाता है। ऑब्वियसली बॉक्स पर आपको यहाँ पर जो स्मार्ट वॉच का नाम और इसके कुछ फीचर्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। और इसका जो MRP है जो इन्होंने यहाँ पर बॉक्स पर मेंशन किया वो यहाँ पर 5000 रुपये है। बट ऑब्वियसली इसका प्राइस उतना तो है ही नहीं, 2000 रुपये में आपको ये वॉच मिल जाएगा अमेजन पर। और इसका लिंक भी मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बाकी यहाँ पर बॉक्स को ओपन करते ही ऊपर की तरफ ही आपको यहाँ पर जो स्मार्ट वॉच देखने को मिल जाता है। और बाकी बॉक्स कंटेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको जो एक यूज़र मैनुअल दिया गया है जिसे आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। और एक वारंटी कार्ड भी मिल जाता है जिसकी मदद से यहाँ पर आप जो है वारंटी के लिए रजिस्टर कर पाओगे। और एक वही नॉर्मल सा पोगोबिन वाला चार्जिंग केबल मिल जाएगा जिसका क्वालिटी अच्छा है। लास्ट में अगर मैं यहाँ पर स्मार्ट वॉच के बारे में बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर जो डिस्प्ले के ऊपर का कवर है उसे हटा देते हैं। और डिस्प्ले के ऊपर और एक स्टिकर भी लगाया इन्होंने तो वो भी निकाल लेते हैं। काफ़ी टाइट था वैसे तो ये। और वॉच को भी जो है मैं यहाँ पर स्विच ऑन कर लेता तो वॉच यहाँ पर जो ऑन हो चुका है। तो चलिए यहाँ पर जो है वॉच के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको जो स्मार्ट वॉच में कुछ इस टाइप का जो है डिज़ाइन देखने को मिलता है। काफ़ी सिंपल और नॉर्मल सा ही डिज़ाइन है बट फिर भी वॉच दिखने में अच्छा ही दिखता है। और ये जो है ना कॉलिंग स्मार्ट वॉच है, फिर भी साइड से जो है वॉच उतना मोटा नहीं है और इसका डायल साइज भी जो उतना बड़ा नहीं है। वॉच थिन हैंड्स पे भी जो है काफ़ी सही लगता है, बाकी मीडियम और लार्ज हैंड्स पे भी जो है काफ़ी बढ़िया लगेगा ये। नेक्स्ट अगर हम जो इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो इसमें आपका ऊपर जो है साइड में पूरा मेटल फ्रेम मिलता है तो बिल्ड क्वालिटी अच्छा है प्राइस रेट के हिसाब से। और स्ट्रैप के बारे में बात करें तो इस वॉच में यहाँ पर जो है 20mm के स्ट्रैप का यूज़ किया गया और स्ट्रैप का जो क्वालिटी है मुझे डिसेंट लगा थोड़ा। बाकी साइड में आपको यहाँ पर जो एक फिजिकल बटन मिलता है जिससे यहाँ पर आप जो है डिस्प्ले को ऑन ऑफ कर सकते हो। और ये जो है ना एक रोटेटिंग बटन है तो इससे यहाँ पर आप जो है रोटेट करके वॉच फेस वगैरह चेंज कर सकते हो या फिर मेन्यू में भी जो स्क्रॉल कर सकते हो। बाकी पीछे की तरफ तो आपको यहाँ पर जो है सभी सेंसर्स वगैरह मिल जाते हैं और इसमें आपको यहाँ पर जो है डीअटैचेबल स्ट्रैप दिया है तो बाद में अगर आपको यहाँ पर जो स्ट्रैप वगैरह चेंज करना है तो आप कर सकते हो इजीली। और यहाँ पर एक साइड पर आपको जो इसका माइक मिल जाता है और दूसरी साइड पर जो स्पीकर दिया गया है क्योंकि ये जो है ना एक कॉलिंग स्मार्ट वॉच है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर जो है डिस्प्ले के बारे में बात करें तो बेजल्स आपको जो उतने ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। साइड में और ऊपर की तरफ जो है बेजल्स काफ़ी कम है लेकिन नीचे की तरफ जो एक बड़ा चिन्ह मिलता है थोड़ा। बाकी अगर मैं यहाँ पर जो है डिस्प्ले स्पेक्स के बारे में बात करें तो इस वॉच में आपको यहाँ पर जो है 1.85 इंच का जो एक IPS डिस्प्ले दिया गया है जिसमें आपको 240x284 पिक्सल का रेजोल्यूशन मिलता है। और मुझे प्राइस रेट के हिसाब से जो है डिस्प्ले ठीक ही लगा, मतलब कलर्स वगैरह आपको यहाँ पर जो अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं डिस्प्ले पर। और वॉच का UI भी अच्छा है, वॉच यहाँ पर जो काफ़ी स्मूथली वर्क करता है और सेम टच रिस्पॉन्स भी इसका काफ़ी सही है। और इस वॉच में आपको यहाँ पर जो है 500 nits का ब्राइटनेस मिलता है। और मैंने पर्सनली भी जो है वॉच को आउटडोर में यूज़ करके देखा था, डिस्प्ले यहाँ पर जो है ठीक ठाक से विजिबल था आउटडोर में भी। और इसका रेस्ट ट्रैक फीचर भी जो अच्छे से ही वर्क करता है, डिस्प्ले यहाँ पर जो है काफ़ी इंस्टेंटली ऑन हो जाता है। और वॉच में आपको यहाँ पर जो है 7 से 8 वॉच फेस मिलते हैं इनबिल्ड। बाकी इसके ऐप में आपको यहाँ पर जो है काफ़ी सारे वॉच फेस के ऑप्शन मिल जाएंगे लेकिन इसमें आपको यहाँ पर जो है कस्टमाइजेबल वॉच फेस का ऑप्शन नहीं मिलता। और इस वॉच में आपको यहाँ पर जो है 60 स्पोर्ट्स मोड दिए गए हैं एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए, बट वो सब जो है मुझे उतने काम के नहीं लगे क्योंकि यहाँ पर वॉकिंग वाला स्पोर्ट्स मोड ही आप देख लीजिए। इसमें सिर्फ यहाँ पर जो है कैलोरीज और किलोमीटर ही शो कर रहा है, स्टेप्स तो शो ही नहीं कर रहा है। बाकी ये वाला जो स्मार्ट वॉच है यहाँ पर IP67 वाटर रेजिस्टेंट है। और अगर हम यहाँ पर जो हार्ट रेट मॉनिटर के बारे में बात करें तो ऑक्सीमीटर में आप देख सकते हो 92 और 93 के आसपास शो कर रहा है और वॉच में यहाँ पर जो है 92 शो कर रहा है। और SpO2 मॉनिटर के बारे में बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीमीटर में जो है 99 शो कर रहा है और वॉच में पहले यहाँ पर 98 शो किया लेकिन वॉच में जो है काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा था, ये कभी 95 97 वगैरह भी शो कर रहा था। और इसमें आपको यहाँ पर जो है ब्लड प्रेशर मॉनिटर भी मिलता है जो कि काफ़ी बढ़िया से ही वर्क करता है लेकिन बोल नहीं सकते कितना एक्यूरेट ही है। और कॉलिंग फीचर को यूज़ करने के लिए तो आप सबको पता ही है, सबसे पहले जो है वॉच को इसके ऐप से जो है कनेक्ट कर लेना। बाकी वॉच में आपको यहाँ पर जो है डायल पैड का ऑप्शन मिल जाता है तो नंबर वगैरह डायल करके यहाँ पर आप जो है वॉच से किसी को भी कॉल वगैरह कर सकते हो। कॉन्टैक्ट का ऑप्शन मिल जाता है तो थोड़े बहुत कॉन्टैक्ट को यहाँ पर आप जो है सेव करके रख सकते हो इसके ऐप को यूज़ करके। और कॉल हिस्ट्री का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर जो है वॉच में मिल जाता है लेकिन इसमें आपको यहाँ पर जो है वॉच को म्यूट पर रखने का ऑप्शन नहीं मिलता। बाकी इसका स्पीकर और माइक का क्वालिटी भी जो है डिसेंट है लेकिन फिर भी कॉलिंग पर्पज़ के लिए तो आप इसे यूज़ कर ही सकते हो। इतना ही नहीं, इसमें और भी काफ़ी सारे फीचर्स आपको इसमें मिलते हैं जैसे कि स्लीप मॉनिटर का ऑप्शन दिया गया है, फीमेल हेल्थ ट्रैकर का ऑप्शन मिल जाता है, कैमरा और म्यूज़िक को यहाँ पर आप जो स्मार्ट वॉच से ही कंट्रोल कर सकते हो, फाइंड माई फ़ोन का ऑप्शन दिया गया है, अलार्म का भी ऑप्शन मिल जाता है लेकिन अलार्म आपको जो इसके ऐप से ही सेट करना पड़ेगा। बाकी लैंग्वेज वगैरह चेंज कर सकते हो, हिंदी लैंग्वेज तो है नहीं वैसे भी इसमें। बाकी इसमें आपको यहाँ पर जो टॉर्च का ऑप्शन मिल जाता है, वेदर अपडेट वगैरह भी यहाँ पर आप जो है वॉच में ही चेक कर सकते हो, स्टॉप वॉच का ऑप्शन दिया गया है, इवन आपको इसमें जो है कैलकुलेटर भी मिल जाता है। बाकी मेन्यू स्टाइल वगैरह आप यहाँ पर से चेंज कर सकते हो, इसमें आपको जो है 4 से 5 डिफरेंट मेन्यू स्टाइल मिल जाते हैं। और वॉइस असिस्टेंट का फीचर भी आपको इसमें दिया गया तो वॉच से यहाँ पर आप जो है कमांड्स वगैरह दे सकते हो। गाइडेड ब्रीदिंग का फीचर भी आपको जो है इस वॉच में मिल जाएगा। और सेटिंग में आके यहाँ पर आप जो है स्मार्ट वॉच को पावर ऑफ और रीसेट वगैरह कर सकते हो।
नोटिफिकेशन के बारे में बात करें तो नोटिफिकेशन वगैरह भी जो है काफ़ी बढ़िया से आ रहे थे स्मार्ट वॉच में। 2 से 3 लाइन तक का मैसेज यहाँ पर आप जो है वॉच में ही पढ़ सकते हो। ये जो है कॉलिंग स्मार्ट वॉच है तो ऑब्वियसली बात है इसमें आपको यहाँ पर जो है कॉल नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, तो वॉच से यहाँ पर आप जो है कॉल को कट कर सकते हो या फिर कॉल को एक्सेप्ट कर सकते हो। बाकी अगर हम जो इसके बैटरी लाइफ के बारे में बात करें तो बैटरी लाइफ जो मुझे थोड़ा सा डिसेंट ही लगा इसका। वॉच यहाँ पर जो है 4 दिन तक चल जाएगा काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल यूज़ पर, लेकिन कॉलिंग फीचर ज़्यादा यूज़ करोगे तो 1 से 2 दिन तक का जो है बैटरी लाइफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इससे। लास्ट में अगर हम इसके प्राइस के बारे में बात करें तो ये वाला जो स्मार्ट वॉच है अभी करंटली 2000 रुपये मिल रहा है अमेज़न पर, और इसका लिंक भी मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो अगर आपको इस वॉच को एक बार चेकआउट करना है तो आप कर सकते हो। ओवरऑल अगर हम जो इस वॉच के बारे में बात करें तो वॉच यहाँ पर जो है दिखने में अच्छा है, इसका डिस्प्ले वगैरह भी जो है ठीक ठाक ही है प्राइस रेट के हिसाब से, और फीचर भी आपको यहाँ पर जो है काफ़ी सारे मिल जाते हैं इसमें, बट इसका जो एक्यूरेसी है ना वो मुझे उतना पसंद नहीं आया। तो अगर आपका बजट यहाँ पर जो है 2000 रुपये के आसपास और आपको यहाँ पर जो एक्यूरेसी से उतना फ़र्क नहीं पड़ता तो आप जो है इस वॉच को एक बार चेकआउट कर सकते हो। तो बस यही था दोस्तों आज का वीडियो, होप कि आपको जो आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी जो है जरूर से सब्सक्राइब कर लेना।